मध्य प्रदेश के लिए एक बुरी खबर कर्नाटक के हासन से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के रहने वाले आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। सिंगरौली जिले के देवसर में एसडीएम अखिलेश सिंह के बेटे आईपीएस अफसर हर्षवर्धन थे। आपको बता दें कि हर्षवर्धन 2030 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उन्होंने हाल ही में मैसूर में मौजूद कर्नाटक पुलिस अकेदमी में एक महीने की ट्रेनिंग पूरी की थी। वो हासन में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी पहली ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे। हर्षवर्धन सिंह सरकारी गाड़ी से मैसूर से हासन जा रहे थे। इसी दौरान रविवार शाम करीब 4:20 के आसपास हासन मैसूर रोड पर हसन तालुक के किट्टाने के पास उनकी गाड़ी का टायर फट गया। टायर फटने से ड्राइवर का नियंत्रण गाड़ी से खो गया और गाड़ी सड़क किनारे मौजूद एक घर से टकरा गई। इस हादसे में हर्षवर्धन के सिर पर गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस हादसे में ड्राइवर को भी चोट आई है और उसका इलाज हासन के जिला अस्पताल में चल रहा है। हर्षवर्धन सिंह के पिता मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के देवसर में एसडीएम है। हर्षवर्धन का परिवार मूल रूप से रीवा जिले के मझियार का रहने वाला था। आईपीएस हर्षवर्धन के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हासन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए लौटते समय सड़क दुर्घटना में आईपीएस हर्षवर्धन का असामयिक निधन का समाचार अत्यंत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अफसर का इस तरह चला जाना निश्चित ही राष्ट्र के लिए क्षति है। सीएम ने आगे लिखा कि शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को मोक्ष व शांति प्रदान करे। दस सूत्र भी भगवान से उनके परिवार को संबल देने की प्रार्थना करता है। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दस सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दस सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।